फाइनली पोको ने पोको X3 का अपग्रेडेड वर्जन यानी कि पोको X3 प्रो को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इस फोन की प्राइस रखी गई है ₹19,000, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। और अगर आप ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ₹1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट। काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर इस फोन को लॉन्च किया गया है और इस फोन का सीधा कंपटीशन होगा Redmi Note 10 Pro और Realme 8 Pro के साथ। इस फोन को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में काफी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या ये फोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, Redmi Note 10 Pro और Poco X3 Pro में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो ऐसे कई सारे रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे दोस्तों की फरमाइश को पूरा किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी रिपीटेड सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ दूंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन यानी कि पुराना स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आपको वाकई में जरूरत है एक नए स्मार्टफोन की, तभी आप एक नया स्मार्टफोन लीजिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी फैसला आपको लेना है। सबसे पहला सवाल, पोको X3 Pro और Redmi Note 10 Pro इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही फोन डिफरेंट यूजर को टारगेट करके डिजाइन किए गए हैं। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हैं, ज्यादा गेमिंग करना पसंद करते हो और वो भी हाई ग्राफिक वाली गेमिंग, जैसे कि PUBG, Fortnite, Modern Combat 5, Call of Duty, तो ये सारी हाई ग्राफिक वाली गेम आप Poco X3 Pro में खेल सकते हैं। आपको लैग और शटर देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो है इस फोन का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर का नाम Qualcomm Snapdragon 860, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आप स्पेशली हाई ग्राफिक गेमिंग के लिए कोई फोन लेना चाहते हैं तो आज की डेट में ये फोन सबसे अच्छा फोन है। सिर्फ एक चीज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि है इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले का ना होना। अब हम बात करते हैं Redmi Note 10 Pro किन लोगों के लिए है। अगर आपको एक प्रीमियम गुड लुकिंग फोन चाहिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, 120Hz का कॉम्बिनेशन, ड्यूअल सिम के साथ मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन चाहिए, बेटर कैमरास, इसके अलावा आप इस फोन में गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी Poco X3 Pro में मिलती है, तो ये सारी चीजों की जरूरत है तो आप Redmi Note 10 Pro को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Poco X3 Pro 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आने वाले फ्यूचर में Poco X3 Pro को 5G नेटवर्क रिलेटेड कोई अपडेट मिलेगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, Poco X3 Pro 5G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता है और आने वाले फ्यूचर में आपको 5G नेटवर्क रिलेटेड कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Vivo iQOO 3 और Poco X3 Pro इन दोनों में से कौन सा फोन बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही फोन की प्राइस में काफी ज्यादा अंतर है, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर आपको दोनों ही फोन में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी की जो चीजें हैं वो सभी मामलों में Vivo iQOO 3 आगे निकल जाता है, जैसे कि ग्लास की बिल्ड क्वालिटी, सुपर एमोलेड पैनल के साथ 120Hz का कॉम्बिनेशन, 55W की फास्ट चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ओवरऑल परफॉर्मेंस को छोड़कर सभी मामलों में Vivo iQOO 3 आगे निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Realme X3 और Poco X3 Pro इन दोनों में से आप कौन सा एक फोन लेना पसंद करते। तो मैं पर्सनली Poco X3 Pro को कंसिडर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Poco X3 Pro के प्रोज और कॉन्स कौन कौन से हैं। तो दोनों ही चीजें मैं आपको डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोज के साथ, जो के हैं इस फोन का प्रोसेसर। इस फोन में Poco ने ऐसा प्रोसेसर ऑफर किया है जो आज तक इस प्राइस रेंज में हमें किसी भी ब्रांड ने ऑफर नहीं किया। ये प्रोसेसर का नाम Qualcomm Snapdragon 860, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। आज की डेट में इंडिया में अंडर 25,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर जितने भी फोन आते हैं उसके अंदर जो प्रोसेसर दिए होते हैं उससे भी ये कहीं ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर हैं। अगर आप स्पेशली हाई ग्राफिक गेमिंग के लिए कोई फोन लेना चाहते हैं तो आज की डेट में ये फोन सबसे अच्छा फोन है। साथ ही साथ इस फोन का जो स्टोरेज का टाइप है वो है UFS 3.1, जो इस प्राइस रेंज में ऑफर करना काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा गेमिंग करते वक्त इस फोन को ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूल प्लस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये चीज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल मुझे नहीं लगता आपको इस फोन की परफॉर्मेंस से कोई भी शिकायत होगी। दूसरे फीचर्स की बात करूं तो वो है इस फोन की डिस्प्ले।
यहां पर आपको 6.61 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इतना ही नहीं 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और डिस्प्ले प्रोडक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन। डिस्प्ले को लेकर सिर्फ एक कमी मुझे लगी, जो कि है सुपर एमोलेड पैनल का ना होना। अगर ये फोन सुपर एमोलेड पैनल के साथ आ जाता तो काफी सारे लोग अंडर 20,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर यही फोन लेना पसंद करते। कॉस्ट कटिंग करने के लिए, प्राइस को कम करने के लिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है। तीसरे फीचर्स की बात करूं तो वो है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। बिल्ड क्वालिटी को लेकर आई थिंक कुछ लोग निराश हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर बैक साइड पर प्लास्टिक का यूज किया गया है। अगर ग्लास का यूज किया गया होता तो ये फोन की इन हैंड फीलिंग काफी ज्यादा प्रीमियम होती। अगर आप ये फोन लेने की सोच रहे हैं तो डे वन से ही बैक केस लगाकर फोन को यूज करना, क्योंकि प्लास्टिक बैक पर बहुत ही जल्दी स्क्रेचेस आ जाते हैं। साथ ही साथ फ्रंट साइड पर भले ही गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन दी हुई हो, लेकिन टेम्पर ग्लास लगाकर ही फोन को यूज करना, क्योंकि दिल और शीशा कभी भी टूट सकता है, इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता। डिजाइन की बात करूं तो लुक और डिजाइन एक ऐसी चीज है जिसमें सबकी चॉइस अलग अलग होती है। आपको ये फोन की डिजाइन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चौथे फीचर्स की बात करूं तो वो है इस फोन की बैटरी और चार्जिंग स्पीड। यहां पर आपको 5160 mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 0 to 100% एक घंटे में फुल चार्ज कर देगा। साथ ही साथ इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर ऑफर किया गया है वो 7 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप दे रखा है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का। ऑन पेपर देखा जाए तो इस फोन के कैमरास काफी अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अभी जज कर पाना सही नहीं होगा जब तक ये फोन हाथ में आ नहीं जाता। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो इस प्राइस रेंज में आज की डेट में इतना पावरफुल फोन कोई भी नहीं है। सिर्फ दो कमी, और वो भी प्राइस पॉइंट को देखते हुए इग्नोर की जा सकती है। एक तो है सुपर एमोलेड पैनल का ना होना और प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी। ओवरऑल अगर आप हाई ग्राफिक वाली गेमिंग खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि S1 PUBG, Fortnite, तो ये जितनी भी हाई ग्राफिक वाली गेम है वो आप इस फोन के अंदर बिना लैग और स्टटर खेल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी दोस्तों, इस फोन को लेकर आपके जो भी ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।